एक मिनट, चलिए तो आज मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन वेक्टर निकल के आ रहा है, सेकंड ए निकल के आ रहा है। तो इसके बीच में आज मैं सबसे पहले शुरू करने वाला हूं यूनिट वेक्टर के साथ। यूनिट वेक्टर क्या था और आप अच्छी तरह से याद होगा, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आए, वन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल टू वन यूनिट हो, उसे कहते थे यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब याद रखिएगा कोई भी ए वेक्टर है मेरे पास, अगर कोई ए वेक्टर है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के साथ। ठीक है, अब ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो मैं इस तरह से लिख देता हूं, जो डायरेक्शन निकल के आती है वो ए कैप के साथ, दैट इज ए कैप। अब मेरे यहां पर क्या निकल के आ रहा है, यूनिट वेक्टर निकल के आ रहा है। अब यूनिट वेक्टर करता क्या, इंपॉर्टेंस क्या निकल के आ रही है, सिग्निफिकेंस, लिख लो साथ में, सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर क्या है, कि ये डायरेक्शन बताता है किसी वेक्टर की, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या निकल के आ रही है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अभी इतना ही याद रखो बस। ठीक है, अभी और भी बहुत कुछ निकल के आएगा। सो इन शॉर्ट यूनिट वेक्टर को अगर फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये मुझे क्या बताता है, यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है, और यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या निकल के आती है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है जी, सो आज का टॉपिक हमने शुरू किया यूनिट वेक्टर के साथ, रेजोल्यूशन का सेकंड डे निकल गया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास आगे निकल के आता है ऑर्थोगोनल, यूनिट वेक्टर क्या निकल के आया, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, या इसे कभी कभी नॉर्मल भी बोल देते हैं, 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर को आपको अच्छी तरह से याद होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल का मीनिंग लिख लो, परपेंडिकुलर या नॉर्मल। ठीक है, इन्हें यूनिट वेक्टर बोल दिया जाता है। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते कैसे हैं उन्हें बताते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस ये निकल के आ रहा है, वाई एक्सिस ये निकल के आ रहा है, जेड एक्सिस ये निकल के आ रहा है, ये एक्स ये वाई। ठीक है, अब आप याद रखिएगा एक्स एंड वाई आपस में 90 पे होते हैं, जेड एंड वाई आपस में 90 होते हैं, जेड एंड एक्स भी, मतलब ये तीनों के तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ये तीनों के तीनों वेक्टर्स मेरे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक है, अब जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस पे निकल के आएगा उसे रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप के साथ, ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से ये वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर निकल गया, इसी तरह से जे कैप y एक्सिस का यूनिट वेक्टर निकल गया है, इसी तरह से k क्या z एक्सिस का यूनिट वेक्टर निकल गया है। इट मींस ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या आ रहे हैं, i कैप, j कैप, k कैप। ठीक है, अब याद रख लो
कि आई कैप विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड के कैप विल डिफाइन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है, एंड I cap is perpendicular to J cap, J cap is perpendicular to K cap. ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे? Perpendicular होंगे. तो इन्हें बोलते हैं orthogonal unit vectors. इन्हें बोलते हैं orthogonal unit vectors. ठीक है? These are known as orthogonal unit vectors. ठीक है? Clear हो रहा है? So it means हमें x एक्सिस, z एक्सिस और y एक्सिस की डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए, ठीक है, हमने यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर दिए उनके लिए, ठीक है, और उसका x एक्सिस का यूनिट वेक्टर निकल के आ रहा है i कैप, y एक्सिस का j कैप, z एक्सिस का k कैप. और अगर इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप, हमेशा क्या निकल के आएगा? इक्वल टू 1 निकल के, ये हमेशा इक्वल टू 1 निकल के आता है, ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इक्वल टू क्या निकल के आएगा? हमेशा 1 निकल के आएगा, ठीक है. बस याद बच्चे ने ये रखना है कि व्हेन एवर आई कैप आ गया किसी के साथ तो मतलब वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. बात याद रखने वाली यही निकल के आ रही है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगले पेज पे जा रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल देता हूं ए फोर्स हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, अगर ये बोल देता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब यह निकल के आ रहा है कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप, ठीक है. इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है वेक्टर फॉर्म के अंदर, के अगर मुझे बोल दिया कि 5 न्यूटन का फोर्स एक्स न्यूटन एक्स डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 5 आई कैप दिया हुआ, ठीक है. कैसे पता चला मुझे? अब आप इसके ऊपर आओ जरा, ठीक है. मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में? मैंने क्या बताया? कोई भी वेक्टर अगर बताना हो तो क्या निकल के आएगा? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. और मैंने साफ साफ बताया यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. तो यहां पर मेरा वही निकल के आ रहा है, 5 बता रहा है मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू आई कैप बता रहा है डायरेक्शन, ठीक है. तो एफ ये क्या हो गया? वेक्टर. पूरा निकल के आ गया, पूरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली निकल के आ गया मेरा. मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, तो ना दिक्कत ना ही आएगी, ठीक है. पंजाबी पढ़ाने कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तो बाद. जे किसी बच्चे ने आ याद रख लिया कि वेक्टर इज इक्वल टू की है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, वेर आई कैप जी कैप के कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. जे आ नोट कर लिया, मैं एंड विच की करता ऐड कर देना, एंड विच ऐड कर देना, एंड ऐड कर दें, एंड 10 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है. ए फोर्स एज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन इन एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन एंड 10 न्यूटन इन y डायरेक्शन, तो मेरे को की निकल गया है प्लस 10 i कैप j कैप, तो वो तो ऐसा निकल गया है, ठीक है ना. ए फोर्स एज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन इन x डायरेक्शन एंड 10 न्यूटन इन y डायरेक्शन, देन फोर्स की निकल के आएगा 5 i कैप प्लस 10 j कैप, ठीक है. एंड सो ऑन, मैं इधर फिर ऐड कर देना, एंड ऑन दिस टाइम एंड 5 न्यूटन इन नेगेटिव z डायरेक्शन, मैं हूं इतने वर्ड की यूज कर रहा है नेगेटिव,
जे मैं वर्ड नेगेटिव यूज कर लिया था क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस फाइव के कैप, माइनस फाइव के कैप निकल गया। सो दिस इज हाउ ए वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, उन्हें वेक्टर को अपन डिफाइन किया, वी आर गोइंग टू वी आर डिफाइनिंग द वेक्टर इन द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स विच असी डिफाइन कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्लियर है इतने तक? होप सो क्लियर होएगा, होप सो नहीं 100% क्लियर होएगा, बहुत अच्छे मेथड के नाल समझाया। देन मूविंग फर्दर, अब मैं जा रहा हूं आगे मैग्नीट्यूड की तरफ। मैग्नीट्यूड मतलब अगर पीछे वाला वेक्टर एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं इसे, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस तरह से लिखते, ठीक है। ये हो गया थ्री डी में, थ्री डी में। अब 2D के अंदर ये हमने करके आए थे, ये हमने किया था, ये 2D के अंदर किया था, तो हमने 2 प्रूफ किया था इसका, एक कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ, ये हमने पीछे किया था सॉल्व, माइट भी कल ही किया हमने ये सब, ये कल किया अभी शायद, कल नहीं तो परसों किया होगा, ठीक है। वो 3D में दिया हुआ क्योंकि k कैप भी आ गया, ये 2D में दिया हुआ। सो इन शॉर्ट ठीक है, चाहो तो इसका एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, मैं दोबारा नहीं बोल रहा, ठीक है। इन शॉर्ट यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, यहां से मैं कंक्लूड ये करके चल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर किसके इक्वल आएगा, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड कैप का स्क्वायर, दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड। ये मेरे मैग्नीट्यूड का रिजल्ट निकल गया। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड कर निकालना है, ठीक है, और अगर वो वेक्टर आपको दिया हुआ है fx i कैप प्लस fy j कैप fy fz k कैप की टर्म्स में, तो उसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा अंडर रूट f कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z कैप का k कैप का स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स के साथ निकल गया। ठीक है, अब अगर ये सारा आ गया तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, क्वेश्चन डाल सकता हूं आपको, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, दिस इज फोर, ठीक है। अब आ जाओ ए वेक्टर के ऊपर, अब आपको ए वेक्टर की डेफिनेशन, ये ए वेक्टर का फॉर्म बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने लिखा होगा, ए कैप के साथ डिनोट करते हैं, ये कैप है, इसे बोलते हैं कैप, आई कैप जे कैप के कैप, ए कैप, ए कैप किसके इक्वल निकल गया, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर दिया हुआ, मैग्नीट्यूड अभी मैंने आपको बता दिया, तो वहां से आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, ये
आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकल के आएगा, स्टार्टिंग में लिखो a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाला पहले, मैग्नीट्यूड मैंने अभी बताया, कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर, k है नहीं इसमें, 9 प्लस 16 दैट इज 25। ठीक है, तो मेरा a कैप दैट इज यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय, ये अंडर रूट था, इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो a वेक्टर मेरा क्या निकल गया, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। सारा एक बार देख लो, रिवाइज कर लो सारा, एक मिनट का टाइम है, मैं भी थक गया, एक मिनट का टाइम ले लो सारा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, वो सारा देख लो एक बार। क्लियर है, तो यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है, क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, टेन यूनिट्स इन डायरेक्शन ऑफ थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप इज क्वेश्चन मार्क, आपको फाइंड कर, आपको फाइंड कर, एक वेक्टर फाइंड करना ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो अभी तक की डिस्कशन में, आज की डिस्कशन में मुझे यह पता चला था, अगर मैं मान के चलूं लेट r वेक्टर b दी, r वेक्टर b दी वेक्टर टू बी फाइंड, तो r वेक्टर कैसे फाइंड होगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने क्या बोला था, यूनिट वेक्टर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उसने क्या बोली है, इसकी टर्म्स में बोली है, कहता है जो ये वाला वेक्टर निकल के आ रहा है ना 3i कैप प्लस 4j कैप, जेड़ा आला वेक्टर निकल के आ रहा है ना, एनी डायरेक्शन दे विच मेरा यूनिट वेक्टर चलता है। ठीक है ना, एनी डायरेक्शन दे विच मेरा यूनिट वेक्टर चलता है। और मैंने r वेक्टर फाइंड, मेरे को r वेक्टर फाइंड करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, 10 यूनिट्स गिवन है, डायरेक्शन नहीं गिवन, डायरेक्शन मुझे फाइंड करनी है। डायरेक्शन मैं बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डायरेक्शन का मतलब निकल के आता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का पीछे फॉर्मूला आपने देख लिया, यूनिट वेक्टर क्या है, a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो क्या करूंगा मैं, लेट इसे सपोज कर लिया, a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, ये पीछे निकाला गया हमने,
ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, 3i कैप + 4j कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। कुल मिला के निकल के आया 3/5i कैप + 4j कैप 4/5। ये मेरा यूनिट वेक्टर निकल गया। अब ये मेरा यूनिट वेक्टर किसका निकल के आएगा, इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, मैग्नीट्यूड दिया हुआ ए कैप मैंने फाइंड कर लिया था 3/5i कैप + 4/5j कैप। कुल मिला के क्या निकल गया, 6i कैप + 8j कैप। ये मेरा आर वेक्टर निकल गया। क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझो कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में पूछा उसने, किस वे में पूछा उसने। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ 3i कैप + 4j कैप इज, तो आ गया लेट आर वेक्टर बी ए यूनिट वेक्टर टू बी फाइंड, मैंने पहले ही मान लिया। अब मुझे मालूम है अगर कोई भी वेक्टर फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। अब यूनिट वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर किसकी टर्म्स में दिया हुआ है, 3i कैप + 4j कैप की टर्म्स में दिया हुआ, तो मैंने पास से यूनिट वेक्टर निकाल ली, ठीक है। यूनिट वेक्टर जैसे ही निकला तो मेरे पास ये चीज निकल गया। देखो एक बार, चेक कर लो एक बार, कोना दिक्कत है तो बताई लो, हमको ना ही लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, कोई दिक्कत आएगी नहीं अंदर विच, ठीक है। सो होप सो द होल कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, यू वॉन्ट बी फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओवर ऑन दिस कंसेप्ट्स, ठीक है। आगे फिजिक्स शुरू होनी है, फिजिक्स में पता नहीं कितना कुछ वेक्टर्स की टर्म्स में, वी आर गोइंग टू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। सो वेक्टर्स एट दैट टाइम आपको पता चलेगा कि आपका कैसे यूज हो रहा है, बिल्कुल तंग नहीं होने वाले, ठीक है। मैं आपका बेस जो है कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करता जा रहा हूं स्लो एंड स्टडीली, ठीक है। देन अब अगर आता है, एक तो हम पीछे एडिशन ऑफ वेक्टर्स करके हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स किया था, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बीच में हमने किया था ट्राइंगल लॉ, इसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ किया, ठीक है। अब इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं, अगर आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में मेरे पास वेक्टर्स दिए हुए हैं तब एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा बड़ा सिंपल निकल के आता है, ठीक है। अगर ए वेक्टर आपको दे दिया i कैप + 4j कैप + 3k कैप और बी वेक्टर दे दिया आपको 3i कैप + j कैप - k कैप और सी, तीन वेक्टर्स को कर लेते हैं, दो को क्यों करना, एडिंग करते हैं। इस तरह से अगर आपको वेक्टर्स दिए तो याद रखिए जैसे जूनियर क्लासेस में हम करते थे, ठीक है, लाइक टर्म्स लाइक टर्म के साथ ऐड हो जाती हैं, ये जूनियर क्लासेस में मैथ्स में करते हैं, लाइक 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 टर्म्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इन द लाइक टर्म्स। तो यहां पर क्या निकल के आएगा, आई कैप वाली सारी टर्म्स आपस में ऐड होंगी, जे कैप वाली सारी टर्म्स आपस में ऐड होंगी और के कैप वाली सारी टर्म्स आपस में ऐड होंगी, तो सारा आपस में ऐड करके यहां पर मेरे पास क्या निकल के आएगा, ठीक है। तनिक ध्यान से देखो, 5 × 6i कैप, इस तरह से ये ऐड किया, ये कैंसिल होंगी, ये जे कैप आ रहा, इस तरह से इनकी एडिंग करके देखो, ठीक है, ये -8 कैप आ, 8k कैप आया प्लस, तो ये आया -5k। सो ये मेरा एडिशन ऑफ वेक्टर्स निकल के आ रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में अगर वेक्टर्स दिए हुए हैं तो कोई पैरेललोग्राम और कोई परपेंडिकुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने की जरूरत नहीं है।
सीधे के सीधे आई कैप के कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, जे कैप के कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, के कैप के कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, सीधा आंसर मेरा निकल गया है। दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है जी, ध्यान से देखो। ठीक है जी, चलिए हमारा यूनिट वेक्टर का टॉपिक था ये, आज छोटा सा टॉपिक था यूनिट वेक्टर का, जिसमें यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस बताई गई। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इसमें मेन पार्ट निकल के आ रहा है, जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप आर नोन एज थ्री ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब था 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। ठीक है जी, तो मेरा टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होता है। मैंने पहले ही बोला था ये आधे घंटे का ही टॉपिक है, इससे ज्यादा का टॉपिक नहीं है। मंडे से मैं आऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है जी, तो यहां से मेरा आगे कंसेप्ट यूज होगा। मल्टीप्लिकेशन के बीच में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मेरे यूज होते थे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, इसलिए मैं वो शुरू नहीं कर पाया था। अब मंडे से ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स शुरू करूंगा। So, आज के लिए टॉपिक बस मेरा इतना ही था। मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स आज शुरू नहीं कर रहा, क्योंकि बीच में छोड़ना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, जितना भी वेक्टर्स करवाया या जितना भी मैथ्स के अंदर आपको डोमेन करवाया, कल ऑफ है तो प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इनके मैं कल कोशिश करूंगा कि जितने भी लिंक्स हैं काइनेमेटिक्स के, मतलब वेक्टर्स के सारे आपको यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, सारे के सारे लिंक्स आपको यूट्यूब के ऊपर शेयर कर दूंगा। ठीक है, शेयर करके इन केस अगर, सीधी सी बात है, अगर लग रहा है कि यार किसी को बताना है, किसी को बताना कि हाँ यार कोई और बच्चा अगर प्रॉब्लम में है तो उसके साथ शेयर जरूर करेगा करो लिंक्स। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप शेयर नहीं कर सकते, शेयर करो, हेल्प करने में फायदा ही निकल के आएगा हमारा। ठीक है जी, चलो गुड इवनिंग फॉर टुडे, मंडे को मिलते हैं।